हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। साथ ही साथ उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है अभी के टाइम पे, सारी चीज़ों पर बात होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि अगर आप देख पा रहे होंगे कि फिलहाल के टाइम पे जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो है 1.01 ट्रिलियन, जो कि एक क्रिटिकल सिचुएशन है। क्योंकि अगर यहाँ से सपोज कल के डेट में भी अगर मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाता है तो 1 ट्रिलियन से डाउन में आ सकता है और दोबारा से क्रैश डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और फिलहाल के टाइम पे जो डोज कॉइन का भी प्राइस चल रहा है वो काफी अच्छा खासा पंप दिख रहा है, जैसे कि 15-16% का। और उसका रीजन सबको पता है, जो एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया जहां पर ट्विटर और डोग को शामिल करके दिखाया है। तो आने वाले टाइम पे लोग काफी बड़े बड़े अंदाजे लगा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। ट्विटर में जो पेमेंट सोल्यूशन की बात है या फिर जो यूज केस है, जो भी वगैरह, मतलब ट्विटर की कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं डोज कॉइन के साथ में। इस तरह से जो अल्ट कॉइन डेली हो गया, बिटकॉइन, LFG हो गए, सारे लोग इसी तरह से अंदाजा लगा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम भी नजर आ सकता है। लेकिन कुछ लोगों का जो क्लियर डाउट है कि $1 को टच कर सकता है या नहीं कर सकता, तो देखिए उसके लिए दो चीजें होना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी डोज कॉइन जा सकता है $1। पहली चीज तो है कि मार्केट भी बुल मोड में होना चाहिए, यानी कि जो बिटकॉइन है उसका प्राइस भी कम से कम मतलब 40,000 की सीरीज में होना चाहिए, जो कि अभी से लगभग डबल माना जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी 20,000 की सीरीज में, तो ये 40,000 की सीरीज में होना चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट भी आना काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे कि इलोन मस्क अनाउंस कर दे कि टेस्ला एक्सेप्ट कर रही है डोज कॉइन को, या फिर कोई और बड़ी चीज जैसे कि ट्विटर के साथ भी इंटीग्रेशन है, तो उसकी क्लियर अनाउंसमेंट अभी नहीं है, तो वो चीजें आना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि फिलहाल 2023 से पहले पहले आप इन कॉइन्स के साथ ट्रेड कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम बड़ा करते रहिए। यही सबसे स्मार्ट तरीका रहेगा यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करने का। फिलहाल बेबी डॉज कॉइन हमारा मेन टॉपिक है, तो उस पर बात करते हैं। बेबी डॉज कॉइन की रिगार्डिंग काफी लोगों की डाउट है यार, बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ लोगों ने काफी अच्छा खासा अमाउंट इसमें डाला हुआ है और काफी बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है कि 2-0, 3-0 किल कर सकता है ऐसे टाइप का, और यही एक्सपेक्टेशन कंटिन्यूसली रखी हुई है। अब देखिए क्लियरली एक एक्सपेरिमेंटल बात करते हैं, जो कि काफी प्रैक्टिकली भी है। फिलहाल के टाइम पे अगर आप इसकी मार्केट कैप देखते हो तो वो मिलियन में, और आपको पता ही होगा कि जब ये पंप करेगा और जिस हिसाब से इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी, जो आज से काफी समय पहले जब इसने ATH लगाया था, तो इसकी जो मार्केट कैप है वो बिलियन में चली गई थी। तो अगर दोबारा से इसकी मार्केट कैप बिलियन में जाती है तो डेफिनेटली, जैसे कि आप देख सकते हो 163 मिलियन के आसपास अभी चल रहा है, और ये बिलियन में अगर जाती है तो 10 गुना काफी आसानी से ये हो रहा है। जस्ट अपने ATH को भी क्रॉस कर रहा है, तो 10 से 20 गुना ये प्रॉफिट दे सकता है। अब बिफोर बुल रन ये सिर्फ इतना ही दे सकता है, ये मुझे लगता है, और मैं खुद इस चीज को ही फॉलो करने वाला हूँ। और जो लोग सोचते हैं कि यार 2-0, 3-0 किल या 3-0 किल, तो वो तभी हो सकता है जब बाइनेंस जैसी लिस्टिंग इसकी हो। और गुड न्यूज़ ये भी है कि 2022 में ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाइनेंस पर कुछ मीम कॉइन्स लिस्ट होंगे, जिसमें से एक होने वाला है बेबी डॉज कॉइन। और इसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी आर्टिकल नज़र आ रहे होंगे ऑलरेडी, बिटकॉइन मैगजीन ने भी इस चीज़ को कवर अप किया है। देखिए इतने बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं वो बेबी डॉज कॉइन के बारे में जानते हैं, और BSC Daily उनकी खुद की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से भी कुल मिला के 7 से 8 आर्टिकल ऐसे निकल चुके हैं पिछले एक महीने में, जहां पर बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग की बात हुई है बाइनेंस पर। तो ये सारी चीजें हो सकती है, और फिलहाल के टाइम पे जो इसकी आर्मी है बेबी डॉज आर्मी, वो भी काफी ज्यादा बुलिश है, काफी ज्यादा एक्टिव है कहीं ना कहीं बाइनेंस लिस्टिंग को लेके। और फिलहाल के टाइम पे बेबी डॉज की टीम की अगर बात करें तो उनका इंटेंशन काफी ज्यादा क्लियर है, जो बेबी डॉज स्वैप है उसको प्रमोट करना, और उसको काफी ज्यादा वो मार्केटाइज कर रहे हैं, जो कि एक बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से इनको काफी ज्यादा पार्टनरशिप भी देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा पार्टनरशिप बैक टू बैक हमें नजर आएंगी बेबी डॉज कॉइन के अंदर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि बुल रन के टाइम पे ये काफी ऊपर जाएगा। डेफिनेटली 2 गुना होना भी कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो चीज़ होना जरूरी है। लेकिन उसके साथ ये भी होगा कि यार सिंपल सी बात है, मार्केट भी बुल मोड में होगा तभी जाके ट्रेडिंग वॉल्यूम उतना बढ़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें बड़ी बड़ी जो बियर मोड में मार्केट जब था तो काफ़ी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई हैं, लेकिन प्राइस में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि बियर मार्केट में कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर होते हैं उनका जो माइंड सेट होता है वो ये होता है कि यार इन्वेस्ट ना करें या फिर ना घुसें मार्केट में, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है, तो वो थोड़ा एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बाइंग जोन क्रिएट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मार्केट बुल मोड में होता है, यानी कि पॉजिटिव है, सारी जो न्यूज़ वगैरह है सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बाइंग जोन, बाइंग प्रेशर बन जाता है और बुल रन आता है, यही सबसे बड़ा फैक्ट होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि यार फ्यूचर की क्या बात करो, अभी की बात करो, ऐसे वैसे कुछ कमेंट मैंने देखे थे। भैया मैंने आपको बोला हुआ है कि यार डोज कॉइन अगर आपने रखा हुआ है, सिबा इनो अगर आपने रखा हुआ है, और बेबी डोज अगर आपने रखा हुआ है, तो फिलहाल के टाइम पे मार्केट जा रहा है डाउन थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन नजर आया है आज के दिन में, लेकिन ये तीनों कॉइन ऊपर जा रहे हैं, तो उसका सिर्फ रीजन है ये ट्वीट, क्योंकि डोज कॉइन में अगर पंप आता है तो सिबा भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट दिखाता है, साथ ही साथ बेबी डोज कॉइन जितनी भी डोज फैमिली है उनमें कहीं ना कहीं पंप आता है।
क्योंकि डोज कॉइन का मतलब सिर्फ डोज कॉइन भी नहीं है, उसके अलावा शिबा इनू का मे बी पंप हमेशा देखने को मिला है, ये आपने हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। तो इस वजह से ये थोड़ी सी ग्रीनरी फिलहाल के टाइम पे दिखा रहे हैं, और ट्रेंडिंग में भी है डोज कॉइन शिबा इनू, तो ये तो चलते रहेंगे। और ये देखिए हाइप पर भी डिपेंड करते हैं क्योंकि कॉइन सारे ऐसे ही हैं, लेकिन फिलहाल के टाइम पे मेरा ये सजेशन रहेगा जब तक बाइनेंस लिस्टिंग नहीं होती है बेबी डोज कॉइन की, या फिर ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आती है, या फिर मार्केट बुलरन नहीं दिखाता है, और उसमें भी काफ़ी टाइम है, मैंने आपको पहले ही क्लियरली बोला हुआ है कि 2023 के सेकेंड क्वार्टर से वो सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो तब तक आपको जस्ट प्रॉफिट बुक करना है, उसी पे फोकस करना है। लगभग सभी प्रोजेक्ट्स में जितने भी मीम कॉइन हैं, कुछ लोगों का डाउट था लवली इनू को लेकर, क्योंकि लवली इनू ने काफ़ी खर्चा किया है, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग की है, काफ़ी अच्छा अच्छा काम हुआ है कहा जाए तो पिछले 3-4 वीक में, लेकिन प्राइस के फैक्टर में भैया डाउन ही आता जा रहा है, डाउन ही आता जा रहा है। भले मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन ये फिर भी डाउन ही आ रहा था। तो देखिए लवली इनू की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा साथी रहे, कई बार उन्होंने ऐसा काम किया है कि जब एक्सपेक्टेशन होती है, जब लग रहा होता है कि यार अब इसका प्राइस बढ़ेगा, तब ये डाउन जा रहा होता है, और जब लग रहा होता है कि इसका प्राइस अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, तब ये डाउन आ रहा होता है, और जब लग रहा होता है कि ये अब तो भाई डाउन रहेगा क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, ट्रस्ट टूट गया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें बहुत होती हैं, तब ये पंप दिखा देता है, ये कई बार इसमें हुआ है। तो लवली इनू में आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर आपके पास है तो भैया जब भी मौका मिलता है प्रॉफिट बुक करो, और नहीं मिल रहा है तो जस्ट होल्ड करो, और ये मत सोचो कि यार ये फ्लॉप हो गया ऐसा वैसा कुछ, काफ़ी तगड़ा रिटर्न ये दे सकता है। अब की बार जो नया एटीज बनेगा हो सकता है वो काफ़ी बड़ा हो, जितना आप सोच भी नहीं रहे होंगे। तो लवली इनू को हमेशा आप टारगेट रखिए इसका, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, भले आपने कितना भी होल्ड करके इसको रखा हो, लवली इनू को हल्के में कभी भी मत लेना। और कोई भी बात हो यार लवली इनू से रिलेटेड, चाहे इसमें कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी भी, तो मैं आपको ऑन द स्पॉट ऑनेस्टी के साथ में बता ही देता हूँ। तो इस वजह से आपको चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना है, और आई होप आपको वीडियो तो पसंद आएगी होगी, तो लाइक वगैरह कर दो। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।